वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं फोन जोन चैट हुई मेरे यानी करिश्मा के साथ, और आज हम करने वाले हैं बात शाओमी कंपनी के एक बहुत ही खास वेरिएंट की। ये हम जानते हैं कि शाओमी कंपनी अपने बहुत सारे मॉडल्स लेकर आ चुकी है इंडिया में, और अब लेकर आने वाली है बहुत ही खास मॉडल। तो आज हम करने वाले हैं उसी एक मॉडल में से किसी की बात, विच इज नन अदर देन आवर फेवरेट शाओमी के एक बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट है, which is none other than Xiaomi's Redmi Note 9. Yes, we are going to talk about it. और सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसके रिलीज डेट की कि ये कब रिलीज हुआ था, ये मार्केट में कब दिखा था, लॉन्च कब हुआ था। और Redmi का ये नोट 9 जो है और 2020 में रिलीज हुआ था, अगर हम इसके लॉन्च डेट की बात करें या बात करें मार्केट में कब से देखने को मिला था, तो ये आपको अनाउंस कर दिया गया था, लॉन्च कर दिया गया था अप्रैल में, बट मई में आकर इसकी मार्केटिंग स्टार्ट हुई थी। यस, मई में आकर ये मार्केट में एकदम दिखना स्टार्ट हो गया था। एवरीवन कुड आउट सी शाओमी'स रेडमी नोट 9 आउट देयर। साथ ही साथ हम बात करते हैं अब इसके लुक्स की, ये कैसा दिखता है, वेरिएंट क्या है, उसमें क्या क्या खास है, सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द लुक आउट है। जी हाँ, इसके लुक पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा है देखने में, इसमें क्या क्या देखने को मिला है, कैसा है। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं। इसमें आपको IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इसमें आपको देखने को मिलेगा Android 10 का MIUI 11। यस, MIUI 11 देखने को मिल रहा है, जबकि हम और जानते हैं कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो EMIUI यूज करते हैं, बट ये Xiaomi का Redmi जो सीरीज है वो इस पर बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया है अब तक। साथ ही साथ इसका जो वेट है वो 200 ग्राम से कम है। जी हाँ, 200 ग्राम से कम है, क्योंकि प्लास्टिक फ्रेम वर्क है तो इसलिए एक्सपेक्टेशन था कम होने की, बट उतना कम नहीं है। रीजन बीइंग इसकी जो प्रोटेक्शन है, ग्लास गोरिल्ला ग्लास है 5, इस वजह से थोड़ा सा इसमें हेवी लुक भी देखने को मिल रहा है। चलिए बात करते हैं इसके बाकी वेरियंट्स की, इसमें क्या क्या खास देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको खास देखने को बहुत कुछ मिल रहा है, जैसे कि इसका वाटर रिपेलिंग कैपेसिटी जो है, जैसे इसकी जो कोटिंग की गई है, इसका जो टेक्सचर बनाया गया है वो वाटर रिपेलिंग कोटिंग की गई है, विच गिव्स आउट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ ग्रेट बेस आउट देयर फॉर Xiaomi कंपनी। डुअल सिम फोन है, डुअल सिम है तो कहा जा सकता है कि स्टैंड बाय भी करा जा सकता है ये फोन वहीं पर। अगर हम बात करें इसके बैक साइड प्रोटेक्शन की, ऐसा कुछ इसमें देखने को नहीं मिल रहा, सिर्फ गोरिल्ला ग्लास फ्रंट में देखने को मिल रहा है। सिंस एवरी इमेज आउट हेयर इज शोइंग द कैमरा क्वालिटी आउट देयर, यस कैमरा क्वालिटी पे एक बार बात करते हैं, उसके बाद इसके अंदर की प्रोसेसिंग पे जाएंगे। कैमरा की बात करें तो एज यू कैन सी जिस तरह से ये प्लेस है, इसका कैमरा जो प्लेस है, प्लेसमेंट देख सकते हैं आप, यू कैन चेक दिस प्लेसमेंट आउट है। क्वाड कैमरा किस तरह से प्लेस किया गया है, बहुत ही अलग अंदाज में प्लेस किया गया है। स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर शेप का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया गया है। स्क्वायर शेप में आपको इसके कैमरास दिखेंगे। यस, दिस इज अ स्क्वायर शेप सेटअप फॉर रियर कैमरा। वहीं पर एक्सपैंड करते हुए इसमें फिंगरप्रिंट सेंसेशन लगा दी गई है, तो ये रेक्टेंगुलर में प्रॉपर आपको सेंसेशन के साथ मिल रहा है। कैमरा की बात करते हुए इसमें बात करते हैं इसके कितने मेगापिक्सल के कैमराज हैं। तो 48 मेगापिक्सल का इसमें शूटर कैमरा है। शूटर कैमरा इज नन अदर देन दी प्राइमरी कैमरा, द ओरिजिनल मेन कैमरा यू कैन से, तो 48 मेगापिक्सल का वो है। वहीं पर 8 और 2 मेगापिक्सल के इसमें बाकी का कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है विद 118 डिग्रीज ऑफ अल्ट्रा वाइड एंगल। वहीं पर 2 मेगापिक्सल डेप्थ और मैक्रो कैमरा दोनों ही इसमें इनबिल्ट हैं। दीज आर दी अदर कैमराज आउट देयर। ये आप देख सकते हैं बहुत अलग से प्लेस किए गए हैं, इसमें सब कुछ मतलब अलग से दिखाया गया है कि ये हमारे मेन कैमराज हैं, शूटर कैमरा ये रहा, अल्ट्रा कैमरा ये रहा, फिर उसको थोड़ा और एक्सपैंड करते हुए इसमें 2 सेंसरी कैमरास और लगाए हैं, फिर उसको एक्सपैंड करते हुए उसमें फिंगरप्रिंट सेंसेशन लगाई गई है। सो इन शॉर्ट लगे से कैमरा में बहुत ज्यादा वर्कआउट किया गया है। वहीं पर बात करें कि इसका सेल्फी कैमरा कैसा है, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। दिस इज हैज बीन प्लेस्ड आउट एट द कॉर्नर, और दिस इज अ पंच होल डिस्प्ले कॉर्नर आउट है फॉर द सेल्फी कैमरा। तो कहा जा सकता है कि काफी ज्यादा अच्छा करा गया है, अच्छे से बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके कोर प्रोसेसिंग सिस्टम की, इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें कैसा प्रोसेसर है। प्रोसेसिंग की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा मीडिया टेक का हेलो G85। बहुत ज्यादा पुराना वर्जन नहीं है, एवरेज है,
2 साल से हमारे बीच में ऑलरेडी है MediaTek का ये हेलो G85 वर्जन, बट उससे ज्यादा एडवांस आ चुके हैं, बट स्टिल इट्स अ गुड वेरियंट आउट है, बहुत अच्छा काम करता है। 16M कलराइजेशन है जो कि एंड्रॉइड 10 के साथ बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। साथ ही साथ कहें तो ऑक्टा कोर का प्रोसेसिंग सिस्टम भी इसमें देखने को मिल रहा है। एक्सपैंडेबिलिटी है, यस, मेमोरी की एक्सपैंडेबिलिटी भी है इसमें। यू कैन एक्सपैंड योर मेमोरी कार्ड अप टू अराउंड 128 GB। वहीं पर एक चीज जो इसमें सबसे अच्छी है वो है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफी ज्यादा अच्छी बनाई गई है। 64 GB और 128 GB की दो वेरियंट यहाँ पर होंगे जिनमें आपको देखने को मिलेगी 3 GB और 4 GB की रैम। ये यहाँ 64 GB के साथ 3 GB रैम देखने को मिल रही है, वहीं पर 128 GB के साथ देखने को मिल रहा है 4 GB रैम। तो काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे वाइब्रेंट बनाया गया है, कोशिश की गई है इसको और अच्छे से बनाया जाए। बात कर लेते हैं इसके बाकी कनेक्टिविटीज की, बाकी सिस्टम्स की, तो कहा जा सकता है इसमें कि आपको हर टाइप की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। इसमें हर टाइप की कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। 3.5 mm का जैक के साथ इसमें टाइप सी 2.0 देखने को मिलेगा। यस, 3.5 mm का जैक है टाइप सी के साथ। एलईडी फ्लैश लाइट भी इसमें इनबिल्ट है, एज यू कैन सी एलईडी फ्लैश लाइट है इसमें ऑलरेडी, बट सिंगल है, डुअल नहीं है। वाईफाई कनेक्टिविटी भी अभी रेडियो का इसमें नहीं है, रेडियो सिस्टम नहीं है, बट यस रिकॉर्डिंग हो सकती है, वाईफाई इसमें अच्छी कनेक्टिंग हो रही है। ब्लूटूथ इसमें V5 का दिया गया है, विच इज अ वेरी गुड वाइब्रेंट आउट है। बात कर लें इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको बैटरी लाइफ जो है 5020 mAh की देखने को मिल रही है। इसमें 5020 mAh की बैटरी लाइफ देखने को मिल रही है, विच इज स्टिल अ गुड वेरियंट। 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है, वहीं पे रिवर्स चार्जिंग इसकी 9 वोल्ट की है, तो आप इजीली अपने फ्रेंड्स के फोन पे रिचार्ज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं आराम से। इसके कलराइजेशन की बात करें तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये कलर्स आर वेरी गुड आउट है, बहुत ही अच्छे कलर्स यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ये कितने पड़ सकते हैं। तो इसकी मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा अच्छी है, और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पर ये और भी ज्यादा अच्छे रेट्स पर आप सबके लिए अवेलेबल है। और हमारी वेबसाइट पे जाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन चेक इट आउट, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर किसी और मॉडल के बारे में जानना है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के। एंड प्लस हमारे एग्जीक्यूटिव हेल्पलाइन का नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में फॉर प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स एंड एनीथिंग एल्स। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। और अपने किसी भी मॉडल का ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमारे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, और यू कैन लीव अ कमेंट आउट देयर।